और ये 1101 रुपए की हार माला से सम्मानित किया है पगड़ी पहना करके। ये जितेंद्र के भाई हैं, विजेंद्र बाबू की तरफ से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। वो 100 रुपए अंश और अंशिका उनकी तरफ से हैं, परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। माला तो विजेंद्र बढ़िया डाल रही है, पर लला जितो एक ही बेर को ना जंतु। और सही बात जे देखो, झूठ लगे तो ना कह सकते, इतनी हिम्मत ना काऊ में सो कोई कह के दिखावे। ईमानदारी की बात तो जे शादी के ऐसो लड्डू है, खाए ले वे सो परेशान और न खावे सो परेशान। और सही बात तो जे जिनने खाए लो सो ज्यादा परेशान है हैं के ना है, पर भी राख में पेट में ही सकता है। कहो मैं तुम्हें इतनी ऐसे जो कहते कि महारानी में तो बहुत दुखी हो पापा, घर जा कहीं के दिखाओ कर। हेलो, 51 रुपए हरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष विश्व यादव परिषद अलीगढ़ नगला मोहन से धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने अब दैत्य वंश बताऊंगा। ये राक्षस वंश कहां से पैदा हुआ, दैत्य वंश कैसे जन्मा। कश्यप ऋषि की जो 13 रानी थी, उनमें सबसे जो छोटी रानी थी दिति, तो दिति के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई और कश्यप ऋषि तपस्या करने के लिए जा रहे थे, भजन करने के लिए जा रहे थे, तो आज छोटी वाली रानी ने और सामने गोद फैलाई और हाथ जोड़ के क्या बोली अपने पति से, अरे सोतीली है गई बेटन उमारी, सोतीली है गई बेटन उमारी, और रुपए श्याम सुंदर इंदा नगला काले खोलला जी नीचे श्याम सुंदर बाबू ने भाई तो कही रहे दर रात है। सोता बंधु, आज जिस समय महात्मा ने बहुत बताया, नहीं मानी तो दिति के उदर में गर्व रहा। महात्मा तपस्या करने चले गए,
पर सुनो, वो गर्भ नहीं जन्मा तो कितने दिन नहीं जन्मा, कितने दिन पैदा संतान नहीं हुई। आपने सुना होगा जब फागुन के महीना में रसियाई भजन गाए जाते हैं तो ये तिथि के गर्भ पर रसियाई भजन की साखी है। कौन सी? अरे मेरी कश्यप ऋषि को पता चला कि दुनिया बेचैन है, उसी समय समाधि को छोड़ करके और हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर के और जिस समय पढ़ के मारा है, संतान हुई तीन, तीन संतान जन्मी, दो पुत्र पैदा हुए हिरणाक्ष और हिरणकश्यप, और लड़की जो पैदा हुई उसी का नाम था सिंहका, सिंहका। तो हिरणाक्ष की काया में जब बल बढ़ाया, कितना बलशाली हुआ था, जब पृथ्वी को चारों तरफ से इकट्ठा कर दिया, पृथ्वी की चटाई बना दी और जिस समय जल में छपा दिया था जाकर के, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए देवताओं ने भगवान से विनती की तो ब्रह्मा जी को छींक आई है, और जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो नाक के रास्ता से एक जीव निकला अंगूठा के बराबर, उस जीव की आकृति थी सुअर जैसी, बोलिए सुअर, भगवान की सुअर जैसी आकृति थी, और जिस समय भगवान जल में गए विशाल भयंकर भेष बना लिया सुअर का, और जब पापी के लात मारी छाती में और वो गिर के उठ नहीं पाया, तब तक दोनों नुकीले दांतों पर पृथ्वी को जमा लिया, पृथ्वी को जब रखे लाए और जिस समय जल की सतह पर पृथ्वी को टेक दिया था भगवान ने, उस हिरणाक्ष का जहां वध किया है वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है। कहां? जहां पापी को मदनोहन लिखा हुआ वहां बोर्ड में। अब हिरणकश्यप ने विचार किया कि मेरे भैया को मारा है श्री हरि ने, तो बदला कैसे पटे? अब बदलो तो तभी तो पटे, तब बरबर जोर आवे, और बल आता है हमेशा तपस्या से, जीवन में ध्यान रखना बल तपस्या से आता है। सोता बंधु, हिरणकश्यप तपस्या करने चला है तो उसकी रानी का नाम था कयाधु, और कयाधु रह गई थी भवन के गेट पे, और वो हिरणकश्यप जब तपस्या करने गया तो
तो एक तोता बरगद की खोल में राम राम कह रहा था। पक्षी भी भजन करते हैं पर समझ नहीं पाते। किसी ने तीतुर को बोलते देखा है? तीतुर पेड़ पे बोले तो स्पष्ट सुनाई देता, वो कहता राम तेरी कुदरत। पर समझे कैसे जाते हैं कि सवेरे तीतुर तो बोल रहा था राम तेरी कुदरत, एक पहलवान जी आ रहे अखाड़े में तो जोर करके सोने कही तीतुर कह रहो दंड बैठक कसरत। ब्राह्मण पंडित जी आ रहे थे मंदिर से तो पंडित जी ने कही बिल्कुल गलत कह रहा है, तीतुर कह रहा है राम तेरी कुदरत। एक सेठ जी अपो सामान बेच के आ रहे, उनने कही तुम दोनों गलत कह रहे हो, तीतुर कह रहे हो नोन में चदरक। लेकिन सत्यता यह है कि तीतुर बोलता है राम तेरी कुदरत। तो आज तोता राम राम कह रहा था और जैसे ही वो राम का नाम कान में आया, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये तो मेरा दुश्मन है और बैरी का नाम कान में आ रहा है। विचार करना, भगवान के नाम को भी बैरी मानना है और भगवान का नाम कितना काम करता है सब शांति से सुनना। और देखिए इतना बढ़िया दृष्टांत बताएंगे हम तुम्हें, बात नहीं जब पीछे को है। कोई पीछे जे हाँ तो भैया बात मत करो पीछे। जितने भी हमारे कथा पंडाल में बैठे मैं राम की एक महिमा बताऊंगा तुम्हें और सत्यता यह है कि भीतर से अगर अच्छी लगे आत्मा भीतर से जवाब दे तो ताली बजा देना मेरे भगवान राम के नाम की, कब जब तुम्हें अच्छी लगे तब। तो तुम्हें पता है भगवान राम जब लंका पर चढ़ के गए थे तो सागर पर पुल बांधा गया। सुनो बच्चे बात मत करो बिल्कुल। सागर पर जब पुल बांधा गया तो हर पत्थर पर राम लिखा गया और राम लिखा हुआ पत्थर और पानी पे तैर गया, पानी पे तैर गया। और जब रावण के जवानों को पता चला तो सब जवानों ने हथियार डाल दिए, सब ने हथियार डाल दिए। तो रावण ने की कि भैया लड़वाना चाहता मेरे पीछे लड़ोगे नहीं? तब सब रावण के जवानों ने की कि महाराज हमारा कब्जा नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्या सबसे पहले तो इस बात का दुख है हमें क्या राम के नाम को लिखा हुआ पत्थर, अरे जब सागर के ऊपर तैर गया है तो जिस समय राम आएंगे तब क्या होगा। जब राम का लिखा हुआ पत्थर पानी पर तैर गया है जब राम स्वयं आएंगे तब क्या होगा। एक बे तो तारी बेटा जी बज गई, अब असली नंबर तो अब आवे बाद में। तो रावण ने कही कि जो कोई बड़ो काम है कि बिन्ने पत्थर तैरा दो है तो अपने जवान की चिंता मत करो पत्थर तो मैं भी तैरा दूंगा। तो रावण के जवान ने की महाराज पत्थर तुम तैरा दोगे तो कुश्ती बराबर की है जाए तो लड़ेंगे हम, लड़ो है तो चलो आ जाओ। सो रावण लंका के जवानों को लेकर के सागर पे आया, सागर पे और मंदोदरी भी संग आई थी। तो रावण दूर बैठा था और उसने एक बहुत बड़े पत्थर पर रावण लिखा, अपना नाम लिखा और नाम लिख के उस पत्थर को दोनों हाथों से उठाया और दोनों हाथों से उठा के मुंह पे लगाया और मुंह से लगा करके पत्थर सागर में छोड़ दिया। जब सागर में पत्थर छूटा तो पहले तो डूबा आया और डूब के उछर के अब पत्थर ने एकदम स्पीड पकड़ी है पानी में। जो वो पत्थर रावण के हाथ से रावण लिखा गया तैरा है उसी समय रावण के जवानों ने हथियार उठा लिया। महाराज अब तैयार है हम, अब तो कुश्ती बराबर की है। जो रावण घर में आया सो मंदोदरी निकलते आ जाओ जालंग। क्यों? कि तुम चाहे दुनिया से छिपा लो पर मोते धोरे छिपा ले हुए। मैं सही बात कह रही हूं, तुम्हें अपने पिता विश्रवा की के समय मोय बता दो तुमने पत्थर तैरा हो कैसे तुम में बल को आए। तो कई मंदोदरी सुन बता तो दूंगा पर फाटक बंद कर दे पहले। देखिए सुनो, फाटक बंद कर दिया मंदोदरी ने, तब पूछ रही है बताओ महाराज तुमने कैसे अपने नाम से पत्थर तैरा दिया, वो तो संसार के स्वामी में ही बल है। तब कही मंदोदरी तुमने देखा नहीं कि मैंने जिस समय रावण लिखा था पत्थर पे
वो पत्थर मैंने अपने मुंह से लगाया था कि हमारा सो तो देख लो, मैंने लगाओ तुमने तो मंदोदरी, मैंने ये कहा था उस पत्थर से कि हे पत्थर, मैंने नाम रावण जरूर लिखा है पर हे पत्थर तो कु तेरे राम की किस्म है जो तैर जावे। ये कही मेरे राम की नहीं, मेरी तो दुश्मनी है पर पत्थर तो कु तेरे राम की किस्म है जो तू तैर जावे। तो सुन मंदोदरी, राम वो है कि दुश्मन का नाम लिखने से भी राम का नाम लेने से पत्थर पानी पे तैर, राम वो है। ध्यान रखना, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। तो राम के नाम की महिमा इतनी है कि वो दुश्मन के नाम को लिख करके भी पत्थर पानी पे तैरा देता है। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, राम का भजन जरूर करना, राम का भजन जरूर करना, चाहे टाइम थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले।